हेलो, हाय। हेलो। आप कौन? मेरा नाम, आप लोग कहाँ से हैं? मैं तो यही आप बताओ कानपुर कहाँ से। से हो, क्या मतलब है आपका? यहीं कहाँ से हो आप लोग? यही कानपुर से हूँ, आप अच्छा, बताइए कानपुर भैया। से? नहीं, मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ। आप लोग से थोड़ी सी बात करनी थी मेरे को। क्या बात करना है बताइए। आपका आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी है। नाइस नेम। आपका मैम? सीमा। ओके, कानपुर। अब मैरिड हैं आप भी? मैरिड हो? ओके। थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो गई है, मैं बताऊं? थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है मेरे को। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है? ये है कि मेरी ना मेरी वाइफ भाग गई है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बहुत परेशान हूँ क्यों? क्योंकि भाग गई है। भागना अच्छी उसमें बात नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ? मायके गई होगी ना घूमने उमने, ऐसे कैसे भाग गई होगी? अरे, अफसोस इस बात की नहीं है कि वो भाग गई है, अफसोस इस बात की है कि वो किसी और के साथ भाग गई है। क्या? किसी और के साथ भाग गई है और पैसे उसे लेके गई है। मेरे मैं जितना कमाया था ना, 5-6 साल में सेविंग रखा हुआ था, सब लेके चली गई। ये तो बहुत गलत हुआ। और शादी वादी हो, मतलब शादी के 5 साल हो गए हमारे, तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। मुझे इंसाफ चाहिए। कोई तो कारण होगा जो भाग गई। अरे, कारण क्या? उसने मेरे को ऐसे कैसे भाग गई? मुझे शॉपिंग के लिए कुछ मांगा, पैसे मांगा। हमने कहा कि आज नहीं है, कल मैं दे दूंगा। ऑफिस में सैलरी मिले नहीं आज, तो उसको ना बर्थडे उड्डे में जाना था। फ्रेंड जून तो इतनी लंबी चौड़ी है, तो वो हमने कहा कि रुक जाओ रुक जाओ, उस वजह से चली गई वो। ऑलरेडी मैरिड थी वो, तो धोखा। ऐसे घूमने घूमने गई हो? नहीं, भाग गई वो जिसके साथ गई है वो पता चला, वो भी मेरा जानने ही वाला है। जिसको रोज मैं चाय पी, हफ्ते में वो मेरे घर आता था चाय वाय पीने, मुझे भाई बोलता था, उसको भाभी बोलता था, और भाभी को ही उड़ा ले गया। अब बताओ कितनी गलत बात है। तो कुछ ना कुछ आपकी भी कमी रही होगी, आपने मेरी केयर कमी? नहीं की होगी। मैंने कोई तो उसको कमी दिखी होगी ना, ऐसे कोई अपना घर नहीं छोड़ के जाता ना। मैंने उसको ना जो जो उसने बोला, जब जब बोला, सारी चीजें हमने करी। तो ये आप कह रहे हो ना? जी, 5 साल से तो भागी। अपनी गलती कोई नहीं बताता। नहीं, 5 साल से तो भागी नहीं, अभी तुरंत भाग गई हो। उसके बहाने चाहिए था। आप शादीशुदा नहीं हो ना? अगर आपको शादी होगा, आप मैरिड हो, जी। हर हर इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो क्या जो बैड टाइम आता है, हार्ड टाइम, तो उस टाइम तो साथ देना होता है ना अपने हस्बैंड को, कि छोड़ के भाग जाना किसी और के साथ? नहीं, भागना ही गलत है, है ना? नहीं, अकेले जाओ, मायके जाओ, इधर घर के मम्मी के अंकल के आंटी किसी घर चले जाओ, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप भाग जाओ, इट्स नॉट गुड आई थिंक। नहीं, ये तो गलत है, लेकिन वजह नहीं होगी। क्या आप पता करिए, आप मिलके बात करिए। अरे, मिली नहीं रही है, क्या मैं पता करूँ? अब बताइए, आप कंप्लेन कीजिए। अब मेरे को, अरे जाऊँगा कंप्लेन कर, मेरी इज्जत जाएगी, साला तुम्हारी वाइफ भाग गई किसी और के साथ, ये है ना, मायके गई हो तो आदमी क्या जाने किसी के साथ ना भागी हो। नहीं, ये आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो किसी? अरे, कॉल, वीडियो कॉलिंग, सब प्रॉब्लम में हो। वीडियो कॉलिंग तक आ गया है कि अब मेरे चक्कर में ना पड़ो, हम चले जाए अपनी दुनिया में। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हम भी किसी की वाइफ को लेकर भागे, मेरे को तब सुकून मिलेगा। ये तो राइट नहीं है। अरे, मेरे अगर एक गलती करे तो दूसरा भी वही गलती। अरे, मेरे को अब ऐसा ही करना है, मुझे भी किसी का घर, मतलब उन्होंने अपना घर बर्बाद किया तो आप दूसरे का घर बर्बाद? नहीं, बर्बाद नहीं भाई, ये ऐसे कैसे होगा? मैं 5 साल से मेरे को मेरा रिलेशनशिप को धज्जिया उड़ा के चला गया। रिलेशनशिप अच्छा था, आपने निभाया, आपने कोई गलती नहीं की ना, ठीक है, लेकिन मेरे को सुकून, मेरा मेरे को सुकून तभी मिलेगा मैं किसी और को उड़ा ना ले जाऊँ, पत्नी को मैं ढूंढ रहा हूँ किसको ले जाऊँ। ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल साइको टाइप की बात है। नहीं, आप हो कौन? मैं? हाँ, मैं भी यहीं से। आपकी बात मेरे को समझ नहीं आई। मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपने वाइफ को ढूंढ रहा हूँ। आपने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? बस ऐसे ही कि कोई मुझे पहचाने ना, पहचाने ना, पहचाने ना। अच्छा, और गलत है अपनी पहचान छुपानी ही गलत है। अच्छा, फिर आप कुछ कहीं ना कहीं गलत। नहीं, नहीं, मैं चाह रहा हूँ ना चेहरा छुपा के पहले ढूंढू उसको, पार्क वार्क में। यही लोग आते हैं ना भाग के, तो इधर ही आते हैं ना, अक्सर जो कपल आते हैं तो इधर ही आते हैं ना। तो आप फेस दिखा दीजिए, हम लोग को देखे तो तसल्ली हो जाए। अच्छा, तो आप लोग को फेस देखना है पक्का? और आप लोग क्या करते हो? कैन आई नो यू, आप क्या करती हैं? व्हाट्स योर प्रोफेशन? मैं पढ़ाई करती हूं अभी। कौन से ईयर में आप? एसआई की तैयारी कर रही हूं, यूपीएसआई दरोगा। अच्छा, यूपीएससी। हां, एसआई के। हां, और
अभी पुलिस का एग्जाम भी दिया हुआ है। जी जी। और आप क्या, आपका बिजनेस? हाउसवाइफ हूँ और बिजनेस है मेरा हॉस्टल वाला और आयुर्वेदिक कंपनी से। जी जी जी। वाह, आपके तो आपका तो जलवे हैं, आपका लाइफ सेटल है। लुकिंग गुड, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आप भी वैसे आप मस्का मत लगाइए, चेहरा दिखाइए। नहीं मस्का नहीं, मैं चेहरा तो दिखाऊंगा। चेहरा दिखाइए। अच्छा, बुरा तो नहीं मानोगे आप लोग? नहीं नहीं, बुरा नहीं मानेंगे, हम भी जानना चाहेंगे ना, जैसे आप बात कर रहे हो, चट रहे हो, वो कौन आ गया? अच्छा अच्छा, ये भी सही है। ठीक है, आंखें 2 सेकंड के लिए बंद कर लो आप लोग। ओके अब खोलिए। कानपुर के ऋतिक रोशन, आप तो वीडियो भी बनाते हैं ना? जी जी। आप तो यूट्यूब पे छाए हुए हो, आप तो कानपुर के स्टार हो। फेमस हो गए स्टार। तो आपकी शादी भी हो गई? शादी तो हो गई आपकी। कैसे आप कानपुरिया, हम लोग को बुलाया भी नहीं। एक्चुअली इधर कैमरा लगा हुआ है, से हाय। ओहो, हेलो। हाय। हेलो। ओ, हम लोग को बनाया जा रहा। और मैं ना YouTube पे जैसे देखते हो आप लोग कि मैं YouTube पे प्रैंक ब्लॉग भी बनाता हूँ, तो मुझे पता चला ना कि आप इधर आए हो पार्क में। अच्छा अच्छा, तो आप प्रैंक कर रहे हैं। हाँ, तो आपके दोस्तों के साथ, आपके दोस्तों ने मेरे को बताया। अच्छा अच्छा। कि आपके जानने वाले कि आप लोग आए हो इधर, तो मैंने सोचा प्रैंक कर लूँ, हमारा प्री प्लान था। तो आप लोग को अगर बुरा ना लगे तो ये मैं अपना YouTube पे डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई नहीं। थैंक यू, नाइस मीटिंग। और आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हो, मैं रील्स देखता हूँ, और ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। आईडी अपना बता दो, आप दोनों लोग आईडी बता दो अपना। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा कटियार, WPL के नाम से मेरी आईडी है, आप लोग फॉलो कीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए। और अपना बताइए आप, आपका आईडी, इस्ट आईडी। हेलो दोस्तों नमस्ते, आप कैसे हैं? हमारी आईडी है मोहिनी एनीथिंग 0097, आप सभी लोग फॉलो कर लेना। तो गाइज, इन लोगों को पूरा दिल से सपोर्ट करो, प्यार दो और धमाल मचाओ। मुझे भी प्यार दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, और लव यू गाइस। नहीं, अब चल रहा है मेहनत, और ऐसे ही आपका भाई मेहनत करता रहेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं रील्स भी बनाए, सो थैंक यू, लव यू।